अच्छा एक बात बता हनुमान, तूने ये तो देखा कि वो मुस्कुराई, पर तुझे कुछ और दिखाई नहीं दिया। अच्छा ये बता, तू मिनी के बारे में जानता क्या है? नहीं, मैं जानता हूं ना इम्मी। देखो वो जो छोरी है ना, वो बहुत ब्रेव है और भाई अपनी मम्मी को बहुत ज्यादा प्यार करती है, ऐसे जान छिड़कती है एकदम अपनी मम्मी पे। कोई बोले तो जान देते वो अपनी मम्मी के लिए। और क्या, छोरी बहुत ज्यादा समझदार है। नहीं भाई, सब जानती है वो कि क्या उसकी माँ को अच्छा लगेगा, तभी तो एकदम से झट से शादी के लिए मान गई। अच्छी है, बहुत प्यारी है। वो आ गई। अरे आप चिंता ना करो, मैं सब संभाल लूंगा। जिसे आज तक उसकी माँ ही नहीं समझ पाई, उसे तू क्या समझेगा? अल्लाह मारे। बहुत चोट खानी बाकी है अभी मिनी को। तो कैसी लगी आपको आपकी दुल्हन? थोड़ा सा मिनी, और कितनी देर है? सब लोग आ चुके हैं। हाँ गाइज, कैमरा रेडी है, फूल भी रेडी है, अब सिर्फ दूल्हा और दुल्हन की एंट्री बाकी है। हाँ बस एक मिनट। Are you ready babes? चले। देखा ना इम्बी, आप तो ऐसे ही परेशान हो रही थी। कितनी खुश है मिन्नी, और वो यही तो चाहती थी। वो मिनी तो यही चाहती थी। तो किसी की परछाई नहीं, अपनी बेब्स की भी नहीं। तू मिनी है पता है, और तेरी अपनी एक अलग पहचान है, इस बात को भूलना मत। अरे मेरी प्यारी गुड़िया, क्या सोचने लगी? हाँ, ज्यादा सोचा मत कर, चल। क्या हुआ लवली, ऐसे मुंह बना के जाएगी क्या? शादी में जा रहे हैं? पता नहीं बीजी, बहुत मन से आई थी, बहुत मन से ये सूट सिलवाया था बीजी। सोचा था अगर अशोक भाई साहब और भाभी की नहीं बनी तो क्या हुआ, कम से कम अगर भाभी से हम निभाएंगे तो मिनी से हमारा नाता रहेगा। लेकिन पता नहीं क्यों बीजी, अब दिल नहीं है जाने का। लवली जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मिनी की खातिर आए ना हम यहाँ, मिनी की खातिर ही आपने बबीता भाभी से माफी मांगी है, तो तो लवली जी फिर मिनी के खातिर ही चलिए ना शादी पे। वही तो कर रही हूँ सुखी जी। देख लवली, मैं जताता नहीं इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरा दुख नहीं समझता। अरे बाप हूँ तेरा मैं, तेरी करवी जबान का मर्म भी समझता हूँ और ये भी समझता हूँ कि कितना भी लड़ती रही हो तू उसकी माँ से, लेकिन मिनी में हमेशा तुझे अपनी बेटी दिखाई देती है। और जानती है मिनी भी तुझे बहुत चाहती है, लेकिन मिनी की तरफ से सोच के देख लवली, तू जानती है कि मिनी अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। तुझे इतना चाहते हुए भी तेरे खिलाफ एक मोर्चा लेकर खड़ी हो जाती है। रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं शमी जी, आप तो जानती हो। क्या हम ये नहीं समझते कि हमें अब बबीता की जिंदगी से चले जाना चाहिए? हम तो बस यहाँ पर ना मिनी को दूर से खुश देखने के लिए पड़े हुए, वरना क्या कोई है भी तो नहीं ना हमारा इस दुनिया में। बबीता से ना हमारी बस एक ही डोर बंधी हुई, मिनी की। चल मिट्टी पा। मुझे पता है मेरी लवली ना जितनी भी लड़ झगड़ ले, पर अंदर से ना बिल्कुल मोह में बिल्कुल। चल शादी में चलते हैं, और कहीं ऐसा ना हो हमारे पहुंचने तक वरमाला भी डल जाए, नहीं तो फिर मिनी को क्या जवाब देंगे, है ना? चल चलिए। आजा। ये लो जी। So guys, ready? All right, and now. कैसा लगा? How romantic ना? It was out of the world, Mini. मेरी और मिकी की शादी में भी ना तू ऐसे arrangements करना, ओके? हाँ, प्रीत करे। तन्ना बड़ी जल्दी मुझे शादी की थी। हाँ। Guys, you forgot something. चलो सीधी प्रिपेयर करनी, आ जाओ जाओ। ये मिनी कहाँ चली गई? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। लाले। हाँ जी भाई, मिनी की दिखाई देख जरा, दिखाई दे रही है कहीं? सर नींद पे तो थी, आप लोगों की फोटो खींच रही थी कैमरे के साथ, यही कहीं होगी मिनी। अरे भाई इतनी सारी फोटो सोटो खींच के क्या करेगी? ओके ओके, अटेंशन प्लीज। एक मिनट बैठ जाओ दोनों। जैसे आप सब जानते हैं, आज मेरी प्यारी सी बेब्स की शादी है, मेरी माँ की शादी है। I guess मुझसे लकी गर्ल तो कोई हो नहीं सकती यार, जैसे अपनी माँ को दुल्हन बनाने का मौका मिला है। इसे सजाने का मौका मिला है, उसके आंचल में खुशियों की दस्तक देने का मौका मिला है। You know what, babes? तेरी तस्वीर ना मेरे मन में तब से छपी हुई है जब से I don't know, मैं कुछ एक महीने की होंगी। ज्यादा कुछ याद नहीं है मुझे, बट थोड़ा बहुत याद है। मतलब मेरे छोटे छोटे से हाथ तेरे चेहरे को छूते थे, तेरी बिंदी नोच लेते थे और तू हंस देती थी। तेरी हंसी की खनक याद है मुझे आज तक। फिर मुझे तेरी उंगली याद है, यू नो, मैं पकड़ती थी और उसमें एक कोई अंगूठी रहती थी, बहुत चुभती थी मुझे, लेकिन फिर भी मैं नहीं छोड़ती थी। जानती है क्यों? क्योंकि मुझे डर था। मतलब थे, सब लोग थे मेरे आसपास, मेरे दादू, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, मेरी क्यूट सी बीजी, क्यूटी पाई, लवली बुआ, बेबी डॉल मेरी, सच्ची आपकी कसम, और सुखी फूफा जी, कहानियों का खजाना। इन सब लोगों से घिरे रहने के बावजूद भी मैं तुझे खोजती थी बेब्स। तेरे पास से आती खुशबू, तेरे हाथों का खुरदुरापन, तेरी चूड़ियों की खनक वार्मथ देता था मुझे एक। एंड वो सब कुछ याद है मुझे आज तक। एंड देन जिस उंगली के बारे में मैंने बात की, वो जानती मैं क्यों नहीं छोड़ती थी? क्योंकि मुझे डर था कि अगर वो उंगली छूट गई तो चली जाएगी और मैं खो जाऊंगी। I don't know why, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उंगली फिर से छूट रही है। नहीं, लेकिन अब खोने का डर नहीं है मुझे, क्योंकि मैं जानती हूं मैं खोकर ही पा पाऊंगी तुझे। दूर जाना बेब्स, यू रेडी टू फ्लाई, यू हैव विंग्स, पूरे ऊंचे गहरे आसमान में उड़ जाना, पूरी दुनिया को अपने आंचल में समेट लेना। ये पूरी दुनिया तेरी है। And you know I love you। हनुमान अंकल, अपनी जान आपकी हथेली में दे रही हूँ, ध्यान रखना इसका। कभी उदास मत होने देना इसे, हमेशा खुश रखना। And I love both of you. Stay blessed. And babes, you remember na? We are in it together. Now and forever. अरे एक सेकंड यार, काजल बह जाएगा तेरा। मुश्किल से किया है यार, प्लीज। ओके सॉरी, मुझे लगता है मैंने बहुत ज्यादा इमोशनल कर दिया आप सबको। ओके, इनफ ऑफ इमोशंस, इनफ ऑफ रोना धोना। अब आप सबका मूड लाइट करने के लिए मैंने एक सीरीज प्रिपेयर की है अभी अभी। इस वेडिंग के कुछ क्लिप्स दिखाना चाहती हूँ जो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। बॉबी सीधी। हाँ हाँ ये लो जी, ये है हमारा बॉबी, शुरू से ऐसा ही है, झल्ला सा। लो जी, सीढ़ी तो नहीं खो दी इसने। ओए बॉबी जल्दी करना यार। उधर है वो डीजे के कंसोल। हाँ ले आ। जल्दी कर यार। मिल गई। लगा। ओके तो ये वेडिंग के कुछ क्लिप्स तो है ही, लेकिन उससे पहले मैंने बेफ की कुछ तस्वीरें भी डाल रखी है इस वीडियो में। वो पिक्चर्स जो मेरे मन में छपी हुई हैं। वो दिनों से जो आई नो वापस नहीं आएंगे एंड मे बी वो वापस नहीं जी सकते, लेकिन मेरे मन में वो हमेशा फ्रेश रहेंगे। Like it happened yesterday. बेटा जी, तो हम सब जानते हैं आज के दिन ना आपको आपके ओरिजिनल पापा जी की शादी की बहुत याद आ रही है ना? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.